हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ममा अर्थ का कुछ मैंने कॉम्बो ऑफ़र में कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं और ममा अर्थ की ही वेबसाइट से मिला है, तो मैं उसी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और मैंने पहली बार ममा अर्थ का कोई प्रोडक्ट मंगाया है और इनफैक्ट ममा अर्थ की साइट से भी पहली बार ही परचेजिंग की है। काफ़ी अच्छे ऑफ़र मुझे मिल गया था और मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, मुझे तो मैंने फटाफट से मंगा लिया। अभी वो ऑफ़र चल रहा है कि नहीं मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये 1 वीक हो गया रिसीव हुए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के बॉक्स के मिला था, बहुत सुंदर सा बॉक्स था, एकदम कलरफुल गिफ्ट पैक जैसा बॉक्स था और एक्चुअली गिफ्ट जैसा लग भी रहा था। और इसमें मुझे जो रिसीव हुआ है वो ये रिसीव हुआ है, ये एक पैकेट, ये देखिए इस तरह का एक पैकेट है और इसी तरह का एक और पैकेट है जिसमें आपको दो कॉम्बो मिलते हैं, दो पैक मिलता है, ये और ये। ये एक सेट आपका है जिसमें ममा अर्थ का एक शैम्पू है, एक कंडीशनर है और ऐसा ही एक और सेट आपको मिल जाता है। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये है आपका ममा अर्थ का अनियन शैम्पू। ये देखिए अनियन शैम्पू क्या करता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है। आप देखते हैं कि आयुर्वेदा वगैरह में या घर के जो थोड़े बहुत लोग जानकार होते हैं और हेयर फॉल वगैरह होता है तो कहते हैं कि अनियन वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं। DIY में भी अगर स्किन केयर या हेयर केयर करते हैं तो अनियन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर दिन आप उसको मैनेज कर पाएँ। तो मुझे ये दिखा और मुझे एक्चुअली में इसमें हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ममा अर्थ का अनियन शैम्पू एक बार मंगाया। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ क्या है। अच्छे ऑफर में मिल गया था मुझे ये दिस वन, और इसका जो MRP है वो है 349 रुपीज़। और ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदा होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। तो ये तो पता है कि किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा, मुझे बेनिफिट ही करेगा। और इसकी जो 250 ml के लिए इसका जो MRP है वो 349 है। इसके साथ ही इसका एक अनियन कंडीशनर भी मिला है, दिस वन। और आपको पता है शैम्पू कर लेने भर से ही सिर्फ हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर शाइन वगैरह नहीं मेंटेन होता है, कंडीशनर तो करना ही पड़ता है। आप अगर रेगुलर नहीं भी कर रहे हैं, हर शैम्पू के साथ नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको अल्टरनेट करना ही पड़ता है कंडीशनर को। तो मैंने ये दोनों कॉम्बो मंगाया है, मुझे ये और ये दोनों ही मिला है एक साथ। और ये कितने का मिला है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने एक और चीज़ मंगाया है, दिस वन। ये है आपका ममा अर्थ का C3 फेस मास्क। ये भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला है, ठीक है। तो ये जो है वो है ममा अर्थ का C3 फेस मास्क विथ चारकोल कॉफ़ी एंड क्ले। ये जो चारकोल है इसमें वो क्या है कि एक्टिव चारकोल है और स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसको क्लीन आउट करेगा और स्किन को हेल्दी बनाएगा। इसमें लिखा हुआ फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है ये। उसके साथ साथ इसकी जो MRP है वो 599 रुपीज़ है। इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि इसको यूज़ करने का मेथड क्या होता है। तो बेसिकली अपना फेस क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद अच्छे से फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आप फेस को सुखा लीजिए कपड़े से या टॉवल से अच्छे से रख पोछ लीजिए। उसके बाद इसको आप एक लेयर इम्प्लीमेंट कीजिए, जैसे हम फेस पैक वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद 15 मिनट के छोड़ने के बाद उसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे कीजिए, थोड़ा सा स्किन को रब कीजिए और रब करने के बाद एक स्क्रब करने के बाद, स्क्रब जैसे हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फेस पैक लगाया और तुरंत हटा दिए, स्किन को बहुत डैमेज होता है। आप धीरे धीरे से उसको रब कीजिए और रब करने के बाद जेंटली उसको रिमूव कीजिए, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो सब उसको क्लीन करेगा। और नेक्स्ट इसको कौन यूज़ कर सकता है, तो मैन एंड वुमेन फॉर ऑल एजेस। तो चाहे आप मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, हर स्किन के लिए, हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सुटेबल है आपके हर स्किन टाइप के लिए, इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुटेबल है। उसके अलावा जो न्यू मॉम्स हैं जिसको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या उसके अलावा हार्मोन्स चेंजेस की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम है या और कोई स्किन पे प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो उस तरह के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हर तरह के लोग इन शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं आज यूज़ करके दिखाती हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। मैं भी पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ।
उसके अलावा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो फटाफट इस मेकअप को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद फेस मास्क। गाइस, मैंने अपना पूरा मेकअप रिमूव कर लिया है और बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ करने वाली हूँ। और फेस वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। ये बॉक्स है, ये अंदर से ये इस तरीके का बॉक्स है ममार्थ का, जो कुछ बॉक्स के ऊपर है वैसा ये सब लिखा है। प्लास्टिक का बॉक्स है वाइट कलर में, और ये इसको ओपन करने पे ये इस तरह का एक क्लोज़र है। और इस टाइप का कुछ है, अजीब सा स्मेल है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का स्मेल है, लेकिन बहुत हार्ड है। इस टाइप का कुछ मिला है, स्पून टाइप का, और इसकी हेल्प से ही लगाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे ममार्थ की वेबसाइट से बाय वन गेट वन फ्री के ऑफ़र में मिला था। टोटल MRP 2556 था, और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1308 रुपीज़ मिला है। इस समय भी ममार्थ के वेबसाइट पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री शायद चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपने फेस पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है इसको, और ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, ये मैंने खुद परचेज़ किया है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही इसका रिव्यू भी कर रही हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स ये अच्छे से ड्राई हो चुका था फेस पे। मैंने इसको देखिए डायरेक्ट रिमूव करने की कोशिश नहीं की है, मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है, आप गुलाब जल ले सकते हैं, आप टूनर ले सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कीजिए अपने फेस पे और थोड़ा सा मसाज कीजिए पूरे फेस पे। डायरेक्ट अगर आप फेस पैक या फेस मास्क हटाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो स्किन और ड्राई कर देता है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पहले अच्छे से मसाज कर लीजिए धीरे 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 पूरे फेस पे आराम से, और उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब मास्क अपना भी काम कर लेता है, और एक बार थोड़ा मसाज हो जाने से जितनी भी डेड सेल वगैरह होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। तो अच्छा है, मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया है, अब मैं इसको रिमूव कर दूँगी। गाइस, आप देख रहे हो मैं फेस वॉश इवन मास्क जो था उसको रिमूव कर दिया है, फेस वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, एकदम इतना कूल इफेक्ट आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आइस रगड़ी हो बहुत देर तक फेस पे, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। जितने भी मेकअप करने के बाद और मेकअप रिमूव करने के बाद थोड़ी सी स्किन ऑयली ऑयली सी हो जाती है, या फिर फेस वॉश कर लो डायरेक्ट तो ड्राई हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब मैं नेक्स्ट इसके बाद एक एल्फ गुडनेस का टोनर यूज़ कर रही हूँ, एंड डन, बहुत अच्छा है। तो मुझे ओवरऑल ये बॉक्स बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, ये तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि हाँ काम कर रहा है, और शैम्पू कंडीशनर कितना काम कर रहा है कितना नहीं, मुझे कुछ टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी। तो फिर मैं कभी किसी वीडियो में उसके बारे में कुछ बता दूँगी कि मुझे उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। फ़िलहाल तो मुझे ये बॉक्स और इस प्राइस में बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने मेरी वीडियोज़ को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कौन से प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जानना है, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, आपको जानना हो उसके बारे में रिव्यू, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।